keep up with your style. दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एडवेंचर हिंदी में। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर अपडेट टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज हम कम्प्लीटली यू आई डिजाइन शुरू करने जा रहे हैं ट्यूटोरियल। उसका जो फोटोशॉप में यू आई डिजाइन बनाते हैं वो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो कुछ बेसिक्स रूल सीख लेते हैं कि यू आई डिजाइन कैसे स्टार्ट करते हैं उसके बारे में सीख लेते हैं, कहाँ से शुरुआत करें यू आई डिजाइन सीखने के लिए, और यू आई डिजाइन कैसे बनाते हैं, उसकी साइज़ क्या है, उसको कितने पिक्सल में कन्वर्ट करना है, वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। और फोटोशॉप के कुछ टूल्स भी सिखाऊंगा जो यू आई डिजाइन के बहुत ही फ़ायदे में आते हैं और काम में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि उसकी साइज़ कितनी ले। तो यहाँ पे न्यू में जाना है, आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आपको पिक्सल में कर देना है, 1440 डालना है और यहाँ पे 2560 डालना है। ये इसकी साइज़ है, आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ओके करता हूँ तो देखिए एक मोबाइल की साइज़ में आ जाएगा। देखिए ये मोबाइल की साइज़ में आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको सेव कर देना है। अभी आपने मैं अभी इसको सेव कर देता हूँ, इसी भी नेम से सेव कर देता हूँ। जैसे बेसिक हम बनाएंगे आज, कुछ आपको मैं दिखाता हूँ बेसिक बना के। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ फोल्डर मैंने बनाया है यू आई डिजाइन के लिए, देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है। अभी मैं बेसिक लिख देता हूँ, हमारा जो अगला ट्यूटोरियल होगा उससे मैं कुछ थोड़ा एडवांस में PSD फाइल सेव कर लिए। उसको PSD फाइल बनानी है, फिर इसमें से हम JPG फाइल कन्वर्ट करके अपने मोबाइल में टेस्ट करके देखिए अभी हमारा पूरा का पूरा बन गया है। अभी देखिए मैंने आपको साइज़ दिखाई, फिर से एक बार यहाँ से साइज आप चेक भी कर सकते हो कि कितनी साइज है इसकी। तो यहाँ से इमेज साइज में चले जाना और यहाँ पे देख लेना कि 1440 और हाइट है उसकी 2560 है। ये इसकी विथ है 1440 और इसकी हाइट है 2560। ये पिक्सल में आपको रखनी है, यहाँ पे परसेंटेज का भी ऑप्शन देगा, आपको पिक्सल में रखनी है। अभी इसको ओके कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू में जाना है। व्यू में जाके आपको रोलर को ऑन कर देना है। रोलर ऑन करेगी यहाँ पे दो टाइप का रोलर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि पहले आपको साइज़ रख लेनी है। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे इतनी साइज़ रख लेता हूँ। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो भी आइकन वगैरह डालेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि दोनों साइड सेम रहना चाहिए। तो वो आपको मैं शॉर्टकट सिखाता हूँ कि दोनों साइड सेम कैसे रहे। तो आपको एक सिंपल है, यहाँ से आपको सिलेक्शन टूल ले लेना है और इसको यहाँ से ले जाना है। देखिए मैंने ले लिया खींच के, और इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक ले जाना है। देखिए ले गया, और इससे आपको रोलर दूसरा रोलर लेके यहाँ पे लगा देना है और कंट्रोल डी दबाओगे तो ये हाइड हो जाएगा। मैंने जो सिलेक्ट किया वो हाइड हो जाएगा, देखिए। और इस रोलर को हाइड करना हो तो आपको कंट्रोल एच दबाना होगा। तो ये मैंने सिंपल सा ये फॉर्मेट तैयार करने जा रहा हूँ। जो यू आई डिजाइन बेसिक्स होते हैं उसमें जो एप्लीकेशन आप ओपन करते हो तो सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन आता है। चलिए कुछ स्प्लैश स्क्रीन बना लेते हैं, तो कुछ देख लेते हैं पहले गूगल पे। तो यहाँ पे मैं अभी गूगल सर्च करता हूँ, एप्लीकेशन स्टार्ट होती है वहाँ पे दिखाती है। देखो ये एंड्रॉइड आ गई। गूगल में जैसे जैसे हमारा ट्यूटोरियल आगे बढ़ता जाएगा मैं आपको एडवांस में सिखाता जाऊंगा। देखिए जब ऐप ओपन करते हो तो फेसबुक का, देखिए फेसबुक का लोगो आ रहा है। तो देखिए इस प्रकार कुछ प्ले स्क्रीन आती है, देखिए ये सभी ऐप का दिखाया गया है। एक सा लोगो ले लेता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं व्हाइट है तो हम व्हाइट प्ले स्क्रीन का नहीं यूज करेंगे तो वो सिंपल हो जाएगा।
इसको उठा लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, चलेगा। इसको ध्यान से देखना है कि लोगो आप उठाओ तो पीएनजी में उठाना है आपको लोगो। तो मैं यहाँ पे लोगो को ले लिया और क्या करना है कि मैं लोगो को उठा के यहाँ पे ले लेता हूँ। देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सिर्फ आपको, देखिए हो गया। अब आपको इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ये फुल स्क्रीन में नहीं आना चाहिए। मैंने देखो यहाँ पे कूलर से लिया हुआ है कि दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी है। तो आप छोटे आपको इसको रेशियो करना है कि शिफ्ट दबाना है और अल्टर दबाना है। तो क्या आप यहाँ से खींच के तो ये दोनों साइड से छोटा हो जाएगा। देखिए हो गया, देखिए अब इसको रख देना। तो क्या करना है, इसको बीच में लगाना है और सेंटर में भी लगाना है। तो क्या करना है, कंट्रोल ए दबाना है और ऑल सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको वी टाइप करना है। यहाँ से ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा, वी दबाओगे तो मूव टूल सिलेक्ट हो जाए। और यहाँ से आपको सेंटर में लेना हो तो यहाँ पे क्लिक करना है तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ ये बीचों बीच आएगा जो कि हमारी लाइनिंग के। तो आपको ऊपर ले जाना है ठीक यहाँ पे, ठीक टॉप पे लगाना है तो आपको डायरेक्टली ये दबाना होगा। ठीक बॉटम पे लगाना है तो यहाँ पे क्लिक करना है तो बॉटम पे आ जाएगा। और ठीक उस बॉटम की साइड में लगाना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, उस साइड लगाना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो हमको बीच में लेना है, यहाँ से भी बीच में लाना है। तो देखिए अभी एडिडास सेट हो गया। देखिए मैंने डी सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल डी दबा के, तो देखिए अभी ये एडिडास दिख रहा है। तो जब हमारी एप्लीकेशन ओपन होगी तो कुछ इस प्रकार आएगी। तो अब कुछ इसमें एडवांस करते हैं। देखिए अभी मैं यहाँ पे कुछ लोडिंग लिख दी। अभी फॉन्ट बहुत है उसके छोटे, अभी इसके फॉन्ट वाइट लग रहे हैं शायद, नहीं ब्लैक ही है ऑलरेडी। इसको थोड़ा हम बोल्ड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे फॉन्ट कुछ टाइटेनियम वेब यूज कर रहा हूँ। इसको मैंने अभी ओपन कर दिया। तो भी हमें सेंटर में लाना है क्योंकि ये अभी सेंटर में नहीं दिख रहा है। तो मैं अभी इसको सेंटर में ला के दिखाता हूँ आपको। ये बीच स्क्रीन के वर्टिकल लाइन पे सेंटर में नहीं, मैं आपको ओरिजेंटल में सेंटर में ला के दिखाऊंगा। कंट्रोल ए दबाना है तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। फिर यहाँ से इस लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल अच्छी तरह से सेट हो गई हमारी स्क्रीन। अब मैं इसको इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ एडिडास के लोगो का। तो कुछ मैं अपनी तरह से कलर कुछ सेट कर दूँ देता हूँ। अभी इसका कलर मैं ग्रीन रखता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको इसे ग्रीन करते हैं। तो आपको जो भी अपने एडिडास का लोगो है तो यहाँ पे चेक कर लेना है, ये लोगो है तो यहाँ पे क्लिक करना है, उस ऑप्शन में जाना है। यहाँ आप जाओगे तो आपको दिखाएगा स्ट्रोक, दिखाएगा कलर, दिखाएगा कलर ओवरली में चले जाना है। यहाँ पे आप जाओगे तो देखिए मैंने बाय डिफॉल्ट रेड कलर सिलेक्ट किया हुआ है तो रेड आ गया। यहाँ आपको कोई भी आपको कलर पसंद हो सिलेक्ट कर लेना है। देखिए मैं अभी ऐसा कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, अभी हो गया। ऐसा कलर नहीं रखते, कुछ अच्छा रख लेते हैं। इस प्रकार के कलर को मैं यूज़ करता हूँ तो कर देना है। फिर एक बार पूरी की पूरी सेव हो गई। और यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर ले आता हूँ और थोड़ा इसके बैकग्राउंड में को ग्रेडियंट देता हूँ। देखिए न्यू लेयर हमने जो लिया है एडिडास के ऊपर लिया है, तो मैं जो भी कुछ काम करूँगा वो एडिडास के ऊपर काम होगा। देखिए मैं यहाँ पे जस्ट आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे कलर करूँगा तो भी देखिए रेक्टेंगल लेता हूँ तो ये उसके ऊपर ही आ जाएगा। देखिए रेक्टेंगल लिया मैंने तो ये ऊपर आ जाएगा, एडिडास के ऊपर आएगा और लोडिंग के नीचे आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लोडिंग के नीचे इसको लगाया और एडिडास के ऊपर लगाया, ये लेयर का ही सब कुछ खेल है। देखिए मैं इसका नीचे ले लेता हूँ तो नीचे आ जाएगा, देखिए आ गया। अभी मैं मेरे को क्या करना है, इस पर ग्रेडियंट लगाना है तो अभी ग्रेडियंट लगा देते हैं। जल्दी जाना है ग्रेडियंट बाय डिफॉल्ट आता है, आपको कुछ अच्छा सा कई सारे ग्रेडियंट आते हैं, जो अच्छा लगे वो ग्रेडियंट लगा देना है आपको। ग्रेडियंट अच्छा लगता है तो ये आप खुद का बना भी सकते हो। मैं देखिए अब भी बना के आपको दिखाता हूँ।
मैं कुछ इस प्रकार का ग्रेडियंट बनाकर दिखाता हूँ आपको। मैं भी ग्रेडियंट बना के आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने एक कलर सिलेक्ट किया, यहाँ पे दूसरा कलर सिलेक्ट करना है। मैं कुछ रेड करता हूँ, रेड नहीं करना है। देखिए अभी ये सेट हो गया, अभी ग्रेडियंट अच्छा लग रहा है। तो अभी लोगो हमारा नहीं दिख रहा है अच्छे से, तो लोगो का कलर मैं अभी चेंज कर देता हूँ यहाँ से डायरेक्ट। स्क्रीन तैयार हो गई है, इसका भी कलर हम चेंज कर देते हैं। लोडिंग पे चले जाना है, यहाँ पे दबाना है आपको और डायरेक्टली यहाँ पे कलर पे चले जाना है और यहाँ पे वाइट कर देना है। तो हमारी पूरी की पूरी स्प्ले स्क्रीन तैयार हो गई। अभी आपको सेव करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सेव दो टाइप से होता है, यहाँ पे आप कंट्रोल शिफ्ट एस दबाओगे तो आपको सेव आ जाएगा। यहाँ से आपको जेपीजी करना है, देखिए जेपीजी करते हैं तो आपको सेव कर देना है, वो वहाँ पे ही सेव होगा। यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन क्वालिटी हाई देना है, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम कर देना है इसको। और जरा से मैं आपको दिखाता हूँ कि सेव कैसे होता है। देखिए सेव फॉर वेब से सेव करना भी होता है, देखिए मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि सेव फॉर वेब से कैसे सेव होता है। देखिए ये पूरा का पूरा सेव हो जाएगा अभी इस यहाँ से, क्वालिटी से सेव होता है। देखिए इसकी क्वालिटी में और मैंने जो भी सेव करके आपको दिखाया है उसकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। बेसिक लेवल में आपको यू आई डिजाइन सिखा रहा हूँ इसलिए। अभी मैंने सेव देखते हैं यहाँ पे क्या फर्क दिख रहा है हमें। देखिए ये मैंने सेव किया, उसकी साइज देखो 5-6 KB है और इसकी देखो 4-2 KB है। देखिए अभी मैं इसका फर्क दिखाता हूँ आपको। देखिए ये ओपन किया मैंने, देखिए कैसा दिख रहा है, सब कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा है। देखो चेंज नहीं दिख रहा हमें। देखो ये फाइल छोटी होती है, सेव फॉर वेब से आप सेव करते हो तो फाइल छोटी हो जाती है। देखिए ये 56 KB में हो गई, 5-6 KB में हो गई। और देखिए यहाँ पे 4-2 KB की हो गई है फाइल। तो आपको सेव फॉर वेब से ही सेव करना है। तो ये भी ऐसे ट्यूटोरियल ला सकूँ, हमारा अगला ट्यूटोरियल होगा थोड़ा एडवांस में होगा। मैं आपको कई थोड़े बहुत आपको फोटोशॉप के टूल भी सिखाऊंगा जो कि यू आई डिजाइन के लिए काम में आते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।